friends this is vikram prasad balya in usa or america in this video i have shown how we take care of our lawn by cutting with our lawn mower and saving the grass clippings for our compost making and you, here you'll see that both me and my wife work together as a team, and we enjoy getting our exercise uh, almost weekly. Uh, and in between, we do other gardening things to meet the challenge of our own exercise, which is not very heavy, very easy kind. And we do it uh, in our home yard. So we know how to take care of things uh, than a, a hired person, and therefore we love to do gardening, the vegetable, uh, you know, uh, uh, flower gardening, taking care of our plants, as you have seen in over 500 videos that I have placed on YouTube so here you are seeing that we are cutting uh, the lawn and on the back there is a bag uh, in which grass clippings are being collected and then uh, in between i empty those bags as you will be seeing in few minutes and uh, uh, we use it for compost making because for compost making, the rule is uh, put the brown material, which is, which are the leaves, the dry leaves, uh, and then put the uh, green plants, whether it is uh, grass clippings or any other plant material. so uh, you see this, and please uh, support, comment, and thanks for सब्सक्राइबिंग जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं देखिए इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि एवरी वीक अब घास काटना शुरू हो गया है जिससे कि हम लोग अपना एक्सरसाइज़ घर बैठे करते हैं बैठ के काफ़ी पीते हैं चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं कोई स्ट्रेस नहीं है रिटायर्ड लाइफ में ये काम बहुत अच्छा है तो हम तो पहले आपको बोले हैं कि हम लोग लान कटिंग कंपनी रखे हुए थे लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम थे और हम लोग अपना एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए एफ्यू ईयर्स बैक जो हुआ कुछ साल पहले की बात है तब से हम लोग खुद ही ये काम करते हैं और यू नो हम लोगों को जो है जो प्रोफेशनल लोग लान काटते हैं उसमें जो ड्राइव हुए है उस पर उनके ट्रैक्टर का बहुत निशान लगता है क्ले का और जिसको कि साफ़ करना पड़ता है वाश करना पड़ता है तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये मशीन बहुत हल्की होती है सेल्फ प्रोपेल्ड है और ये मशीन हम लोग करीब चार साल से यूज़ कर रहे हैं और ये मशीन बहुत ही अच्छी है देखिए ये बैग आप देख रहे हैं पीछे में बिल्कुल हल्की बैग है और बहुत बैलेंस है तो इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत हेवी वर्क है जरा भी हेवी वर्क नहीं है बस खाली आपको आ, आ, आना है जाना है और घास को मेक शोर कि आप एक ही लाइन में काट रहे हैं सीधे से तो ये देखिए ये बगल में जो है घास काटा जा रहा है ये हम लोगों का अपना एरिया है और उसके बाद में पूरा जो एरिया है देखिए ये ग, 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 क्लिपिंग है ग, ग्रास का काटने के बाद हम आपको दिखाए हैं और फिर बाद में दिखाएंगे कि कैसे ग्रास क्लिपिंग्स होते हैं ये बड़े यूजफुल होते हैं कंपोस्ट के लिए तो ये घर बैठे जो है ग्रीन मटेरियल मिल जाते हैं लान के ग्रास से और ये हम लोगों को जो है एक्सरसाइज भी हो जाता है एक घंटे का एक्सरसाइज होता है बहुत ही अच्छा तो ये बहुत, बहुत बड़ा एरिया नहीं है बहुत छोटा एरिया है तो इसलिए हम लोग देख देखिए आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं कोई स्ट्रेस नहीं और बैठ करके के इन बिटवीन जो है हम लोग हम अभी वीडियो ले रहे हैं वाइफ काट रहेंगे बाद में वो वीडियो लेंगे और हम इनो घास काटते हुए रहेंगे तो ये करने से हम लोगों का जो हस्बैंड वाइफ का टीम बहुत ही अच्छा है और हम लोग अपने एटीज़ में जो है कितने अच्छे से व्यस्त रखते हैं देखिए इसमें हम ये दिखाए हैं कि ग्रास बैग को हम इमटी कर रहे हैं और देखिए ये वीडियो हमारी वाइफ ले रही हैं और हम दिखा रहे हैं कि जो ग्रास क्लिपिंग्स देखिए ये कितना है ग्रास क्लिपिंग्स और नीचे में जो देख रहे हैं ब्राउन मटेरियल वो लीव्स है ए, पहले के लीव्स है जो उसी के ऊपर में ये डाला जाता है तो कंपोस्ट का रूल है कि आप ब्राउन मटेरियल मीन्स जो लीव्स वगैरह हो ए, उसके ऊपर में ग्रीन मटेरियल डालें भले ही आपके गार्डन के प्लांट्स हो और फिर इसके बाद में ब्राउन मटीरियल लीव्स पड़ेंगे जिसको अभी हम इकट्ठा नहीं किए हैं लेकिन आसपास में जो स्पाइल के चारों तरफ है देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ग्रास क्लिपिंग्स उसके बगल में ड्राई मटेरियल दिख रहे हैं तो उसी मटेरियल को हम इकट्ठा करके बाद में इसके ऊपर में डालेंगे तो ये लेयरिंग का मतलब यही है कि ब्राउन मटेरियल देन ग्रीन मटेरियल देन ब्राउन मटेरियल देन ग्रीन मटेरियल जब भी आपको मिले तो देखिए अब इसमें इम्टी करके हम बैंक को डाल रहे हैं और डालने के बाद हम लोग फिर घास काटना शुरू कर देंगे तो ये है कि कोई मेहनत का काम नहीं है बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग तो अगर आप लोग कोई भी काम करें एक्सक्यूज <coughs> में कोई भी काम करें एक्सरसाइज करना किसी भी किस्म का बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके रिटायर्ड लाइफ में तो ये बहुत ज़रूरी है एटीज़ के बाद में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है बस आराम से कोई भी काम हो आप करें जो भी आपको पसंद आए जो भी आपको मोटिवेशन दे ये हम लोगों का मोटिवेशन है एंड वी लव टू डू इट हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये करना देखिए बगल में गार्लिक प्लांट्स आप देख रहे हैं हम कई वीडियो अभी दिखाए हैं कि गार्लिक प्लांट्स का हम लोग कैसे केयर किए हैं और कैसे कंपोस्ट डाले हैं कैसे पानी डाले हैं तो यहाँ तो हम यही दिखा रहे हैं कि जो हम लान काट रहे हैं और देखिए ये जो है ए, जा रहे ये जो है हमारे प्लांट्स भी बीच में दिख रहे हैं उधर में ए पार्क है तो वहाँ पर पार्क होने की वजह से और घास इतना है कि डियर बहुत आते हैं मैं क्या कहूँ डियर रोज़ ही आते हैं और हमारे पौधों को खाते हैं लेकिन वो आते हैं एक्सक्यूज मी ऐसे टाइम पर आते हैं जबकि हम लोग सोए रहते हैं रात को भी ये डियर आते हैं और कभी कभी तो यहीं सोते ही हैं वो जो आपको दिख रहा है एरिया ये जो पार्क एरिया है और छोटा सा एरिया है तो ये जो है बहुत ही अच्छा ए, एरिया है रहने के लिए और नेचर वाच करने के लिए टर्की देखिए डियर देखिए बहुत से चिड़िया हैं और ये अमेरिकन रॉबिन देखिए बहुत से चिड़िया हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है वाश करना और लान काटना फिर बैठ के चाय पीना काफ़ी पीना लंच तो हम लोग भीतर में करते हैं लेकिन देखिए ये एक कितना अच्छा से घास कट रहा है और ये मेरे जो फ़्लावर के प्लांट हैं वो भी बहुत अच्छे से हैं अब तो फ्लावर का सीज़न चला गया ये एंड ऑफ मे है और दूसरे अब फ्लावर जो हैं श्रब्ब वो आएंगे हम आपको दिखाएंगे ए, उस वक्त में तो अभी आप देखिए और एंजॉय कीजिए समझिए कि की ये जो है हम लोग कैसे अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जो है एंजॉय करते हैं और अच्छे से रहते हैं सो थैंक्स नमस्कार प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब